हेलो जी, ऑडियो का बता दीजिएगा। ऑडियो क्लियर है? हाँ ऑडियो का बता दीजिए। ऑडियो क्लियर है? हाँ गुड इवनिंग दुबित जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो पेपर हुआ है सीएसएल का, उसका जीके पोर्शन को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन इस उम्मीद से करिएगा कि स्कोर तो काउंट करना ही करना है, लेकिन आगे आज के पेपर में जो मिस्टेक्स हुई हैं, पेपर जो टफ था, पेपर बहुत सारा आउट सिलेबस से बाहर आया था, डाइवर्स पेपर था, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के अलावा भी ये भी जज करिएगा, ये भी चेक करिएगा कि कहीं कोई स्पेसिफिक मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं आप हर बार एक ही पेपर में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने आंसर तो देख लिए होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो देखिए, 50 क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आउट थे, कुछ काफी ज्यादा स्पेसिफिक थे, जैसे रेपो रेट वाला सवाल हो गया। हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस भी अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा डिटेल्स में उनके पॉइंट दिए थे। तो आप लोगों को पता है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केरला में आपको देखने को मिलता है, शांतिगिरी। तो शांतिगिरी विद्या भवन कहां पे है? इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है ये, कहां पे? ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने इसको मार्क किया है? तो ये कोलिया कोडे में है, केरला में है, और ये फर्स्ट एआई स्कूल है, ठीक है जी। इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, और ये तिरुवनंतपुरम में है, और इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसको आप करंट अफेयर वाले में डाल सकते हैं कि हाँ जी, करंट अफेयर से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये सवाल काफी डाइवर्स है, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, काफी डाइवर्स सवाल पूछे जाते। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी हम सब ने देखा था कैसे मोदी जी की आवाज में गाने वगैरह हमने सुनने को मिले थे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड एक स्कूल है जिसको केरला में बनाया गया है। दूसरा, बात करते हैं इंडिया के परमानेंट एंटार्कटिक रिसर्च बेस की। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि तीन सेंटर आपको देखने को मिलते हैं, एक गंगोत्री है, एक भारती है, और एक मैथिली है। तो ये तीन है जो अंटार्कटिक रिसर्च बेस है, क्योंकि देखिए, हर एक दुनिया में जितने भी देश है वो क्या करते हैं, अंटार्कटिक में रिसर्च करना चाहते हैं, और वहां पे रिसर्च करने के लिए अपने बेस लगाते हैं, और इसमें इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन है, और ये आपको साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, और ये 1984 में एस्टेब्लिश करके 1919 में डीकमीशन भी कर दिया गया था। तो ये कोई रिसेंट की न्यूज नहीं है, पर स्टैटिक न्यूज है। इंडिया का पहला परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च बेस कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री नाम से। अगले सवाल की बात करते हैं, इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 103 ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा, ये एक्सपेक्ट करके रखिएगा।
अगले पेपर में नहीं तो अगले से अगले पेपर में, तो इसको चाहे तो कहीं सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से कौन सी कंट्री है परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की? इवन जो मैंने मिसलेनियस जिस दिन मैं डिस्कस कर रहा था उस दिन मैंने ये डिस्कस भी कराया, मैंने उसके डिस्कशन में आप नोटिस करेंगे कि मैंने पांचों मेंबर के नाम बताए थे, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए एंड फ्रांस। ये पांच मेंबर हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, पांच परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने इसको सही मार्क किया है? अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, देखिए ये रिफ्यूजीज के लिए है, और अगर हम इसकी बात करें तो रिफ्यूजीज आपको पता है कि वो लोग होते हैं जिनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, तो उनको रेफ्यूजीज बोला जाता है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी उन्हीं के लिए काम करता है। और इसका क्या पूछ लिया गया था? हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अब इन जनरल आप देखिए यूएन से रिलेटेड 2 सवाल पूछ लिए गए, ये कॉमन क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, पर अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है G7 के बारे में। तो G7 की समिट कौन सी सिटी में हुई थी? तो 49th G7 की समिट की बात की गई है। ये करंट अफेयर का रिलेटेड सवाल है आपका, आई गेस मे के अराउंड हुआ था और हिरोशिमा में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में डिस्कस किया जाता है। G7 हो गया, G20 हो गया, दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप हो गया, एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, रिपीटेडली मैंने इन चीजों पे फोकस किया। और बाकी आप लोगों को भी पता है कि जो दुनिया भर के लेवल पे इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 106, आर्टिकल 32 में जब हम कहते हैं कि हीबियस कॉर्पस है हमारे पास, तो हीबियस कॉर्पस का मतलब यही है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ इस अरेस्ट। तो क्वेश्चन 106 का भी आंसर आपका ए है। अदरवाइज कोई भी पुलिस वाला अपनी पावर का मिसयूज करके आपको जेल के अंदर डाल सकता है, इसीलिए ये डिसाइड किया गया था आर्टिकल 32 में कि अगर आपने कोई भी जुर्म किया है तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, ताकि पुलिस वाला कोई अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लोकसभा के मेंबर्स की कितने परसेंटेज होते हैं इन मिनिस्ट्रीज, तो 15% होते हैं। और ये डिसाइड किया गया था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये 2003 में पास किया गया था, ताकि ऐसा ना हो कि जो सरकार है वो हर एक को मिनिस्टर बनाते रहे और सबको खुश करते रहे। तो एक सीलिंग पुट कर दी गई थी कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, देयर कैन बी ओनली 15% मिनिस्टर्स। आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 107 है, ये वन वे और दी अदर की फॉर्म में आप देखेंगे, आपको अलग अलग पेपर्स में दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा जा चुका है, कुछ क्वेश्चन हर पेपर में डेफिनेटली नए होंगे। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिसडिक्शन की क्या है? तो देखिए यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज वाला जो है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। और चौथा, प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे एडवाइस करना, सारे के सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, अगर कोई ऑफिसर सरकारी पोजीशन पे बैठा हुआ ऑफिसर अपना काम नहीं करता है तो मैंडेमस रिट इशू की जाती है फ्रॉम कोर्ट, उससे पूछा जाता है कि आप कौन, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, तो कैश्योरी, क्यू वॉरेंटो प्रोहिबिशन, मैंडेमस और हीबियस कॉर्पस, ये आपकी रिट पिटीशंस होती हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करती है। अगला सवाल ये है कि 2023 की फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कौन जीता? तो देखिए, फीफा आपको पता है फुटबॉल का जो एसोसिएशन है, उसका जो वर्ल्ड कप होता है, तो उसमें वुमेन का विनर पूछ लिया गया है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंस का याद रख लेते हैं। तो वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का, और इसमें पहली बार स्पेन की वुमेन्स जीती, सबसे ज्यादा आज तक यूनाइटेड स्टेट 4 बार जीत चुका है। तो ये जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, पूरे 1 महीने तक चला, ठीक है। तो इसमें ये आपका फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में सवाल पूछा गया। ये होस्ट किया गया था भाई ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पहली बार ऐसा था कि कोई वुमन वर्ल्ड कप फीफा का होस्ट किया गया हो, क्योंकि आप देखिए नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। देन क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। तो पहली मैरिड वुमन अरुणाचल से, जिसने मिसेस इंडिया 2017 एंड मिस प्लैनेट वर्ल्ड फाइनलिस्ट फ्रॉम स्टेट जीता, तो अरुणाचल की हर एक पर्सनैलिटी जो भी कोई भी अचीवमेंट कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, पहली फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत बार पूछा गया, इस बार उन्होंने क्वेश्चन को चेंज करके लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ दिया, यानी स्टेट के बनने से पहले कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, पहली बार पार्लियामेंट के इलेक्शन कब हुए? अब बड़ा सिंपल सा इसको लॉजिक याद रखिएगा कि शुरुआत में एमपी नॉमिनेट किए जाते थे, तो जो पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे वो 1977 में हुए थे, पार्लियामेंट के दो मेंबर चुनने के लिए। 1978 में तो स्टेट के इलेक्शन भी हो गए थे, उससे पहले मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे। इवन जो पहले चीफ मिनिस्टर भी बने थे उसका ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था जैसे नॉर्मल इलेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि अगर 1971 में स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, यानी उससे पहले ही हुए होंगे, एंड 1950 एंड 1951 बहुत ज्यादा पहले है, इस एरा में नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1977। अरुणाचल मकाओ की बात करते हैं, तो अरुणाचल मकाओ क्या है जी, मंकी है जी। जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल में करंट अफेयर में कवर कराया था, मैंने बताया था 1962 की जो लड़ाई में जसवंत सिंह रावत, इन्होंने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा था, इन्हीं के नाम पे वॉर मेमोरियल है, तो ये 1962 में इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 116, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है जी? तो ये लोकेटेड है जी मध्य प्रदेश में। स्कोर की बात करें तो इसको सेबी ने इशू किया है कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेन हो तो सेबी से आप बात करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आप फैक्चुअल माने, लेकिन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मकाऊ मतलब मंकी, इट इज पॉसिबल। लेकिन स्कोर जैसा जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, नोबल प्राइज प्राइजेस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स वाले। तो पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी जी को, लेडी है जी ये, तो इनको पीस प्राइज मिला है फॉर द 2023। ओलंपिक विनर हो गए, नोबल प्राइज हो गए, ऑस्कर्स हो गए, ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने रिपीटेडली आपको इसी बात पे फोकस करने को कहा भी था। तो नरगिस मोहम्मदी जी ये नोबल पीस प्राइज विनर। 2024 का G20 समिट किधर होना है? इस बार का इंडिया में हुआ, और अगला किधर होना है? अगला होना है ब्राजील में।
तो इस बार तो इंडिया में हुआ था, सबको पता ही था, अगला कहाँ, ब्राजील में होना है 2024 में। कोवैक्सीन, देखिए अभी तक ये कोविड वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक वैक्सीन थी जिसका नाम था कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में प्रोड्यूस किया था, ठीक है जी, बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह के साथ मिलकर। और दूसरा है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने प्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी मल्टीपल टाइम, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से। इनमें से कौन सी किताब को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, या डी ऑल ऑफ द अबव। सारे की सारी बुक्स अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। पिछली बार विटामिन सी के बारे में पूछा गया था, उसका साइंटिफिक या केमिकल नेम पूछा गया था, इस बार विटामिन B1 पूछा गया। पिछली बार का आंसर एस्कॉर्बिक एसिड था, इस बार का थाइमाइन है, तो याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार कोई और विटामिन का केमिकल नेम पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन 123rd करंट अफेयर में मैंने कवर कराया था। ये जितनी भी आप याद रखिएगा, ट्यूबर क्लोसिस को माइकोबैक्टीरियम करता है, यानी ये बैक्टीरियल बीमारी है। तो अगर ये बैक्टीरियम है तो ऑटोमेटिकली इसको वायरस नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, ह्यूमन ईयर की रेंज, ये कितनी बार हमने रिपीटेडली पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। तो जो क्वेश्चन इजी थे वो काफी ज्यादा इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बहुत ज्यादा फैक्चुअल जोन में चले गए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A। हु हैज बीन द 2023 रेसिपियंट ऑफ नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। अब नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन, इट इज वेरी फैक्चुअल, वेरी स्पेसिफिक। नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड का फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन का विनर पूछ लिया गया, डॉक्टर स्वाति नायक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये टफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 126 है, ये फैक्चुअल है लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पे था। एशियन गेम्स में मैंने बताया था कि मेडल पूछे जाएंगे, तो गोल्ड मेडल 28 जीते इंडिया ने। इंडिया ने इस बार सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं जी 2023 एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ। एशियन गेम्स के साथ साथ ओलंपिक पे भी सवाल पूछा गया। ओलंपिक की ओरिजिन ग्रीस की है जी, एथेंस ओलंपिक बोला जाता था शुरुआत में। तो ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन था, लेकिन 125 इट इज डेफिनेटली टफ क्वेश्चन, 126 127 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 128 को तो ना जाने मैंने 10 से 15 बार रिपीट कराया कि 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिपीट कराया, मल्टीपल टाइम रिपीट कराया। 40 मैंने बता रखी है पहले ही, 40th यानी धोलावीरा थी, फिर शांति निकेतन जुड़ी, 41st एंड 42nd इज होयसाला टेम्पल्स। ये सितंबर वाली करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में और इवन क्वेश्चंस में भी मैंने बार बार इसको डिस्कस किया है मल्टीपल टाइम्स। कितने लोगों ने इसको सही मार्क करके आए, दिस वॉज डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, तो ये इजिली आप लोगों को करना था। क्वेश्चन 129 अ पैसेज ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, तो E.M. फॉस्टर के द्वारा नाइट ये लिखा गया और इसको 100 बेस्ट लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी में गिना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का ए है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में लोकेटेड है। देन चार टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबिल्डन। इनको याद रखने का तरीका है कि अल्फाबेटिकली जैसे आते हैं उसमें से बस लास्ट वाले दो चेंज कर देने हैं, ये इनका ऑर्डर है। तो फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, तो यूएस एंड विंबलडन ये ऑर्डर है जी। ये चार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के और ये रिपीटेडली कभी ना कभी किसी ना किसी का विनर पूछा गया है। अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल पूछे गए, तो इसका आंसर जोकोविच है जी।
जोकोविच ने ये जीता। क्वेश्चन नंबर 132, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, एक्सप्लेन मैं करूंगा भी नहीं क्योंकि आप लोगों का इच्छा नहीं होगी, पेपर देने के बाद एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं होता, पर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगता रहे। हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा पेपर टफ आए, लेकिन अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। अरुणाचल जी के हिस्ट्री सारी उन्हीं चीजों को पढ़ना है, बस पढ़ने के तरीकों को थोड़ा इनहेंस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। जिस दिन आपका लक फेवर हुआ, जैसे अगले एग्जाम में, तो 4 5 6 क्वेश्चन आपने जीके में ज्यादा सही कर दिए तो आप लाइन के उस तरफ चले जाएंगे। तो 30 से ऊपर जितने भी लोगों ने स्कोर किया है 30 से ऊपर जीके में, यानी उनको कुछ ना कुछ नॉलेज है, बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा माइल चलना है वो आपको चलना पड़ेगा ताकि जो 30 से 40 की तरफ पहुंच जाए, 40 प्लस जीके में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। कोई नहीं दुबित जी, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैं आप लोगों के जितने भी रिव्यूज हैं या रिकमेंडेशन है आगे के सेशन के लिए, आप लोग ये मेरे नंबर पे पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा। आपको ये बताना है कि क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिनको हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, या अरुणाचल जीके में प्रॉब्लम होती है, या पॉलिटी में प्रॉब्लम होती है, आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या मैथ में प्रॉब्लम होती है। एक कट ऑफ वाली चीज मैं ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि मैं कोई एक स्टेटमेंट बोलूं और आपको एक उम्मीद लगे, ज्यादा वेट करना भी नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली कट ऑफ जो पिछले बार के रेंज है उसी के अराउंड रहेगा। आप कितना भी कहें कि पेपर टफ है, बहुत सारे बच्चे बहुत बार से तैयारी कर रहे हैं और उनका फिर उसी रेंज में नंबर आ जाता है जो 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड देन वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वेट करिए, अपने आप ही 2 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ वट ऑफ अभी छोड़ दीजिए, अभी आराम करिए, बस अगली बार अभी तैयारी करने से पहले बस ये एनालिसिस ज्यादा करना जरूरी है कि कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा मिस्टेक्स का। पेपर टफ ठीक है जी, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस ठीक है, क्या कहीं पैटर्न तो नहीं बन रहा कि कहीं रिवीजन कम रह रहा हो, कोई सब्जेक्ट हो जो बार बार परेशान कर रहा हो। आप लोगों ने ये एनालिसिस करना है और ये मुझे इन्फॉर्म करना है मेरे नंबर पर, ताकि इंडिविजुअल के लेवल पे हम लोग हर एक के लिए अलग स्ट्रेटेजी बना सके। सब स्टूडेंट के लिए सेम स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ठीक है जी। तो आप लोगों को खुद एनालिसिस करना है कि लगातार आपने क्या करना है, हर बार के जो आपके तीनों सेक्शन के मार्क्स है, लास्ट के 2 3 एग्जाम के या टोटल मार्क्स कितने हैं, उसका एक पैटर्न बना के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कितना ऑन एन एवरेज आप स्कोर कर रहे हैं। जब तक ये एनालिसिस नहीं आएगा, जब तक खुद के लेवल पे मिस्टेक को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक वो जो एक्स्ट्रा 10 से 20 नंबर है वो नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। ये पूछा है एंथ्रेक्स डिसीज के बारे में, तो आंसर इज ए रॉबर्ट कूच। स्पेसिफिक डिसीज और जो थोड़ा बायो या इन सब से रिलेटेड है वो बता सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पूछ लिया गया है जी। तो 133 का आपका बेंगलोर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चंस को आप टफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। कि कोई इंस्टीट्यूट बहुत पहले से इस्टेब्लिश्ड है और उसका लोकेशन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 134, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था, तो सी ऑप्शन डब्ल्यू सी प्रोएंथिजेन है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 135, इंडिया ने जो फर्स्ट रीजनल ट्रेन एस्टेब्लिश की है, सर्विस एस्टेब्लिश की है, उसका सेंटर, उसका नाम क्या है जी, रैपिडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 136, दिस इज इजी एंड मैनेजेबल। 137, इजी एंड मैनेजेबल। प्राइम मिनिस्टर 1972 में कौन है, इंदिरा गांधी जी है। 67 के आसपास से इनका, 68 के आसपास से बनाया जाता है, और जब यूटी बनाया गया तो इंदिरा गांधी जी ही थी। 0 में
अनाउंस किया गया था, तो अगली बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाईएस्ट पीक ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन कि किसी पॉलिटिशियन के बारे में पूछ लिया कि वो पुराने चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के रूप में सर्व किया, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुकुट मिथी जी कांग्रेस से बिलोंग करते। क्वेश्चन नंबर 139 अभी हमने डिस्कस किया है दो दिन पहले। तो इको ऑफ अरुणाचल न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1988। उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है नीचे जाके, एस्टैब्लिश 20th February 1988। और ये मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल टाइम 1989 में है और ये 1988 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फेमस सॉन्ग भूपेन हजारिका साहब का हमारा अरुणाचल कौन सी मूवी से? तो 140th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा अरुणाचल सॉन्ग? अब देखिए, भूपेन हजारिका साहब का नाम हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने सुना इन द फॉर्म ऑफ कि जो उनके नाम पे ब्रिज बना हुआ है या जो उनको भारत की तरफ से भारत रत्न मिला है, ठीक है। अब उनका एक स्पेसिफिक काम आ गया जी, तो अरुणाचल जो हमारा है ये भूपेन हजारिका के द्वारा लिखा गया गाना है, जो मेरा धर्म मेरी माँ मूवी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो अब ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल से रिलेटेड गाना पूछ लिया गया हमारा अरुणाचल सॉन्ग मूवी, तो ऑप्शन नंबर बी आपको पता है। मेरा धर्म मेरी माँ मूवी। अब आते हैं हिस्ट्री वाला क्वेश्चन 141। कितने लोगों ने इसको सही मार्क किया है? देखिए, इसको 0.2, 0.3 करेक्ट है, 0.1 में अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो एक्चुअली में थोड़ा सा स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल इसको भी ट्रू ही मान के चलिए। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और कोई भी अगर रियल मेल मेंबर उसका नहीं हो परिवार का तो किंगडम लैप्स हो जाती है, क्योंकि इसको बड़े लेवल पे डलहौजी ने यूज किया था। सतारा, झांसी, संबलपुर और उदयपुर, ये मेरे नोट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सब जगहों का नाम मैंने मेंशन किया। तो भले ही डिटेल दी थी लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है ये क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी को बोलते थे, जिनका लिटरेचर था, जिनका काम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मॉडरेट्स लीडर में से आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मल्टीपल टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे दादाभाई नौरोजी। दिल्ली दरबार की बात करते हैं, दिल्ली दरबार क्या है जी? तो दिल्ली दरबार, तीन बार दिल्ली दरबार लगा है। देखिए, दरबार का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने अपनी पावर को शोकेस करने के लिए अलग अलग बार दिल्ली दरबार लगाया। एक बार लगा 1877 में, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। तो दिल्ली दरबार का ये ऑप्शन एलिमिनेट होते ही आपका सारा करेक्ट हो जाता है। ये कब होते थे? ये कोई ना कोई जब राजा या वहां की इंग्लैंड का राजा या रानी का सक्सेशन होता था, नया राजा या रानी चुने जाते थे, तब दिल्ली दरबार लगाए जाते थे। ठीक है जी, तो जॉर्ज फिफ्थ का ऐसा था जो उसने विजिट किया, 77 वाला है उसमें क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया था, तो उसके लिए यहां पे दरबार लगाया गया। इसमें ज्यादा कोई पॉपुलर लोगों को बुलाया नहीं गया था,
देन दूसरा दरबार बुलाया गया था 1903 में, ये किंग एडवर्ड सेवन और क्वीन एलेक्जेंड्रा को एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया चुना गया था, तो लगाया गया था। और तीसरा जॉर्ज फिफ्थ को जब राजा चुना गया था तब बुलाया गया था, और बाकी दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। सो दिल्ली दरबार को याद रखिएगा, 1877, 1903 एंड 1911, ये दरबार तब भी लगाए जाते थे। अंग्रेज अपनी पावर दिखाते थे, अपने नए राजा और रानी का नाम अनाउंस कराने के लिए दरबार लगाए जाते थे ताकि ऑफिशियली अनाउंस किया जाए। और जॉर्ज फिफ्थ ने तो इंडिया में आए भी थे, तो उन्होंने खुद इसको विजिट भी किया था, बाकी दोनों ने विजिट नहीं किया। तो 1 एंड 3। क्वेश्चन 144, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में और मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन में, सो ऑप्शन नंबर डी। 145, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सवाल है। पहला पॉइंट करेक्ट है, दोनों हाउस के मेंबर चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है कि दोनों हाउसेस के मेंबर, याद रखिएगा प्रेसिडेंट में स्टेट असेंबलीज भी चुनती है, पर वाइस प्रेसिडेंट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर। हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया दैट इज 146 की बात करें, ऑप्शन नंबर ए अनाईमुद्दी। तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो पीक्स वहां पे माउंटेन की, हिमालयन रेंजेस की पीक्स काफी ऊंची ऊंची हैं, पर पेनिनसुला की अगर बात करें तो इनकी कंपैरेटिवली लंबाई कम है। लेकिन सवाल पूछा गया तो हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुला इंडिया, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, अनाईमुद्दी है, और ये केरला में लोकेटेड है जी। कहां पे लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है। सतलुज कहां से ओरिजिनेट होती है? सतलुज ओरिजिनेट होती है रक्षास्थल से। क्वेश्चन 146 उसमें से एक आती है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, और ये लेक रक्षातल का है, तिब्बत में देखने को मिलता है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड को लक्षद्वीप का बोला गया था 1973 में, इसका नाम बदला गया था। अगेन वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में रेपो रेट क्या था आरबीआई का? 6.5 था, 150। अगेन दिस इज प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। पहला जीआई टैग कब मिला? दार्जिलिंग टी को मिला था जी। तो इन जनरल अगर आप मान के चले जीके में अगर किसी का भी 35+ स्कोर है तो उसका परफॉर्मेंस इज ओके, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड ट्रेंड से बाहर थे, काफी स्पेसिफिक थे, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत आपकी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटी की, हिस्ट्री की, तब जाके आप उनको मार्क कर पाएंगे। तो जो यूजुअल ट्रेंड है उसके हिसाब से कंपेरेटिवली पेपर थोड़ा टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। कोई है जिसका 40+ जा रहा हो इसमें से तो बता दीजिए। 35+ इज नॉर्मली इस पेपर के अकॉर्डिंग, जीएसजीएस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक स्कोर है, बाकी तो इसका कट ऑफ तो बाकी सबके मार्क्स देखने पे ही पता चलता है। तो जो भी 30+ स्कोर कर रहे हैं अगर उनका नहीं भी सिलेक्शन होता है तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको अपना नॉर्मल पढ़ाई को वैसे ही जारी रखना है, थोड़े से कुछ स्टेप्स को और इम्प्रूव करना है ताकि जिस दिन आपका लक साथ दे, आपका मौका साथ दे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो उस दिन आप लाइन के उस साइड होंगे। आप लोगों को कोई भी अपनी बात वगैरह, अंग्रेजी कह रहे हैं 32 आंसर करेक्ट, 32 जी। अब देखिए
इन टोटल हंगरी जी कितना स्कोर बन रहा है आपका? पॉइंट भी वही है ना कि देखिए अगर कंपटीशन को बीट करना है शॉर्ट शॉर्ट तो उससे के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्कोर चाहिए। पेपर टफ है लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो बार बार पेपर दे रहे हैं तो उनका सेम चीजें पढ़ पढ़ के काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। बाकी ज्यादा इसमें कट ऑफ वट ऑफ का इंतजार या कोई एक रफ आइडिया देने का ज्यादा मतलब बनता नहीं है क्योंकि जल्दी ही आपके रिजल्ट भी आ जाते हैं आप लोगों को पता है। तो अब इस सेशन को रैप अप करते हैं। आप लोगों की कोई स्पेसिफिक डिमांड हो, कोई रिव्यू हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए आप बता सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका पेपर हो, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो एक स्माइल के साथ बोल सके कि पेपर इस बार काफी अच्छा गया। तो अब इस सेशन को रैप अप करते हैं। मेरा नंबर 9911675330 है। अरुणाचल जी के हिस्ट्री एंड इवन बाकी सारे सब्जेक्ट अभी हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या पॉसिबल चीजें की जा सकती। अब पेपर जैसा भी हुआ है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए। अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ओके हुआ है, एवरेज हुआ है, जो हो चुका है वो अब पास्ट में। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तैयारियों की तरफ ध्यान देते हैं। अगले सेशन, अगली क्लास, अगले सारे लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो लोग भी फ्री ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं आगे के लिए तो इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, आराम करिए और अगले पेपर की अब तैयारी करिए। अच्छे से अपने आप को पहले एनालिसिस करिए, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट करिए। पैनिक करके कुछ नहीं होगा। गुड नाइट एवरीवन।